मांडवी विधानसभा से कांग्रेस ने वर्तमान विधायक छन्नी चंदू साहू के टिकट काटकर पूर्व विधायक भोलाराम पर भरोसा जताया। प्रत्याशी भोलाराम साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नामांकन भी दाखिल किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोंटा विधानसभा से कवासी लखमा ने छठवीं बार नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बंसल न्यूज से खास चर्चा में कवासी लखमा ने कहा कि इस बार गेंदबाज कोई और भी रहे, जनता सिक्स लगाने को तैयार है, बॉल बाउंड्री से बाहर जाना निश्चित है। कोंटा विधानसभा के क्षेत्र के सुकमा में हूँ और हमारे बीच मौजूद है कोंटा विधानसभा 90 क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा जी। तो डायरेक्ट उनसे ही बात करते हैं कि चुनाव में छठी पारी है उनकी, चुनाव में क्या तैयारियां हैं और क्या मुद्दे को लेकर के अब चुनाव पे जी बताइए। आज मतलब मेरा विधानसभा क्षेत्र कोंटा 90 से छठवीं बार मेरे को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। हमारा देश का नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे साहब ने और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री ने मेरे को छठवीं बार भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ बस्तर में नेहरू गांधी परिवार को बहुत आदिवासी को चाहते हैं। हमारा साल 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी के बारे में बहुत काम किया है। पिछले 15 साल का सरकार स्कूल बंद किए थे, सोसाइटी बंद किए थे, आंगनबाड़ी बंद किए थे, भूपेश बघेल का सरकार खोलने का काम किया है। बाद में लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इस बार सिक्स मारेंगे और एकदम बाउंड्री से बाहर जाएगा, क्या करें? आज मेरा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकदम कर्मठ होते हैं। ये अगर कार्यकर्ता बोलता है तो सही बात है, चुनाव मैं नहीं जीतता हूँ, चुनाव कार्यकर्ता जीतता है, बूथ जीतता है, काम जीतता है, वहाँ के पटेल शर्मा उन लोग जीतते हैं। ये थे हमारे बीच कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी और लगातार 5 बार वो यहाँ पर चुनाव जीत करके आए और छठी बार भी वो जीतने की पूरी यहाँ पे उनकी उम्मीद। शेख मकबूल बंसल सुकमा।